नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। रीवा जिले के गढ़ी चौकी अंतर्गत रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया है। पीड़िता के चचेरे भाई का कहना है कि स्कूल से लौट रही पांचवी कक्षा की छात्रा को आरोपी ने लिफ्ट के बहाने बाइक पर बैठा लिया, जब जंगल मिला तो झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। मऊगंज में चाक मोड़ पर संचालित अस्थायी बस स्टैंड के पास एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुखबिर से एक खबर आई। सूचनाकर्ता ने दावा किया कि अवैध नशीला पदार्थ बेचने के लिए युवक मऊगंज के चाक मोड़ आया है। यदि समय रहते तस्कर को नहीं पकड़ा गया तो वह अपना झोला किसी दूसरे को सौंप देगा। पुलिस ने तुरंत टीम बनाकर घेराबंदी की। इसके बाद 30,000 रुपए का 1.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में रीवा संभाग की 13 सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना, त्योंथर से रमा शंकर सिंह पटेल और मनगवा से बबीता साकेत पर एक बार फिर दाव लगाया है। ये तीनों प्रत्याशी 2018 के विधानसभा चुनाव में नजदीकी अंतर से हारे थे। रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत पूर्वा जलप्रताप के पास एक अज्ञात लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि शनिवार की शाम को मुख्य मार्ग से 100 मीटर अंदर युवक जमीन में लेटा दिखा था। तब चरवाहों ने सोचा कि शराबी लेट रहा है, पर रविवार की सुबह तक युवक की मौत हो गई। घटनास्थल के आसपास कीटनाशक पदार्थ मिला है, ऐसे में जहर खुरानी की आशंका व्यक्त की जा रही है। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं भाजयुमो के दो बार जिला अध्यक्ष रह चुके सतना के युवा नेता रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। शिवा ने रविवार को ही भाजपा से त्यागपत्र दिया था। माना जा रहा है कि सतना विधानसभा से शिवा बसपा प्रत्याशी के तौर नजर आएंगे। चुनावी दौर में रेलवे की तरफ से मिली सौगात के रूप में सतना पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का रविवार की रात सतना पहुंचने पर स्वागत किया गया। रविवार की रात 10:30 बजे सतना रेलवे स्टेशन पर सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह समेत तमाम भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस ट्रेन और इससे यात्रा कर सतना पहुंचे यात्रियों का स्वागत किया। सीधी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सीधी सांसद रीति पाठक के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाली एक घड़ी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद रविवार सोमवार की दरमियानी रात आर्य पैरामेडिकल कॉलेज से काफी भारी मात्रा में घड़ी जब्त की गई है। जबलपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को अभिरक्षा में लेकर जब उसके सामान की तलाशी ली तो उसके बैग में करीब 3.5 किलो सोने के जेवर मिले हैं। युवक का नाम सौरभ जैन है। व्यापारी के पास से पुलिस को किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं मिले हैं। गढ़ा पुलिस ने निर्वाचन विभाग की टीम सहित इनकम टैक्स को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उनसे 8 करोड़ 16 लाख रुपए वसूले हैं। WCR रेलवे GM के निर्देश पर सितंबर माह में जबलपुर भोपाल और कोटा पर टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा यात्री गाड़ियों एवं स्टेशन पर बिना टिकट जांच अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में 19 दिन में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस बार वह ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। यह समारोह 21 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर अतिथि शामिल होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।